फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। और आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 बजे से, और आज है फ्रेंड्स मंगलवार, तो ये मेरा मंगलवार का ब्लॉग है। और शाम के 6 बजे से मैंने ब्लॉग शुरू किया है फ्रेंड्स। सुबह से मैंने कोई रूटीन शेयर नहीं किया है, यानी कि सुबह से कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं था आज मैंने। और आ गई हूँ फ्रेंड्स सीधा किचन में, और यहाँ पे किचन में आते ही सबसे पहले तो मैं फ्रेंड्स दूध गर्म करती हूँ और बनाती हूँ शाम की मेरी चाय, क्योंकि 5-6 बजे के समथिंग मेरी चाय का टाइम हो जाता है। तो आज थोड़ा सा लेट हो ही गया है फ्रेंड्स। इधर भी चाय भी मेरी बन गई है, तो अभी बस डाल लेती हूँ इसको कप में, और चाय पीने के बाद में करेंगे हम खाना बनाने की तैयारी। तो आज के डिनर में बनेगी टेस्टी टेस्टी थाली, डिनर की थाली। तो ये है, गोभी काट ली है मैंने, आलू गोभी मटर की सब्जी बनाएंगे, और जो भी बनाऊंगी फ्रेंड्स आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए चाय डाल लेते हैं और आ जाइए आप सब भी इवनिंग चाय पीने के लिए। और आयुष चला गया है नीचे खेलने के लिए, अनुषा अभी तक सोई हुई है फ्रेंड्स, अनुषा को भी उठाऊंगी। और मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ, और फिर मुझे कपड़े भी उतारने हैं अभी बाहर से। तो आ जाइए आप सब भी चाय पी लीजिए, और दूध का मैंने गैस बंद कर दिया है और अभी चाय डाल लेते हैं। तो फ्रेंड डाल ली है चाय और अब चलते हैं बालकनी में, क्योंकि आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है फ्रेंड्स। धूप भी नहीं है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और ये देखिए बालकनी में आ गई हूँ फ्रेंड्स, और देखिए मेरे ये जो कल मैं पौधे लाई थी उसमें देखिए कितने मोटे मोटे फूल लगे हुए हैं फ्रेंड्स। और अभी यहीं बैठ जाती हूँ, यहीं बैठ के आराम से चाय पियेंगे, फिर करेंगे काम की शुरुआत। ये देखिए फ्रेंड्स फूल देखिए, फ्रेंड चाय मेरी हो गई है और कप को किचन में रख के आती हूँ, और फिर मैं उतार लेती हूँ बाहर से कपड़े, कपड़े भी सूख गए हैं फ्रेंड्स, और फिर करेंगे खाना बनाने की तैयारी। और खाना बना करके मुझे जाना है फ्रेंड्स मार्केट, क्योंकि आज घर का राशन भी खत्म हो गया है, तो राशन भी लेके आना है। तो मैं सब्जी वगैरह ये सब बना के जाऊंगी, रोटी आके बना लूंगी, तो सब्जी और छोले वगैरह जो भी बनाने हैं मुझे वो बना लेती हूँ, और फिर उसके बाद में चलते हैं मार्केट। अनुषा को भी उठा देती हूँ और सबसे पहले मैं कपड़े उतार लेती हूँ फ्रेंड्स। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और गर्मियों के मौसम में तो यहाँ बालकनी में काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो फटाफट कपड़े उतार लेती हूँ। सारे कपड़े उतार लिए हैं और इनको डाल दूंगी मैं रूम में, और जब भी टाइम मिलता है तभी मैं समेट लेती हूँ, तो यहाँ रूम में ही पटक दूंगी सारे कपड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ रूम में डाल दिए हैं कपड़े, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं समेट लूँगी। अब बना लेती हूँ मैं खाना, और सब्जी बनाने से पहले फ्रेंड्स मैं सब्जी को सबसे पहले गर्म पानी में बॉइल कर लेती हूँ 1 चम्मच नमक डाल के, यानी कि कोई कीड़ा वगैरह भी होगा तो निकल जाएगा। तो मैं हमेशा गोभी को उबाल करके ही बनाती हूँ। तो चले फ्रेंड्स कर लेती हूँ अब खाना बनाने की तैयारी। तो आलू गोभी तो मैंने पहले ही काट लिए थे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं काट रही थी। टमाटर प्याज हरी मिर्ची वगैरह जो भी लहसुन अदरक का पेस्ट ये सब कुछ करके तैयार कर लेती हूँ, और यहाँ पे लंबे लंबे प्याज काट के मैं डाल रही थी चॉपर में, और चॉपर में ही इनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करूँगी फ्रेंड्स। और इस चॉपर में काफ़ी अच्छे से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप हो जाता है, तो मैं टमाटर वगैरह सब कुछ इसी में ही चॉप करूँगी। और मैं अपनी वॉइस में ही रिकॉर्ड कर रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि बाहर में आए हुए थे बच्चों के न्यू ट्यूशन टीचर, और आज डेमो के लिए आए हुए थे, तो मैं बिना शोर किए हुए अपना काम कर रही थी और बाहर में वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। और जो पुराने जो पहले आते थे हमारे ट्यूशन टीचर भैया, तो आप सबको तो पता ही है फ्रेंड्स उनकी वाइफ एक्सपायर हो गई थी, तब से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, तो वो अब नहीं आएंगे और वापस चले गए हैं अपने गाँव। तो हमने दूसरे ट्यूशन टीचर को हायर किया था, तो वही आए हुए थे
डेमो के लिए। और यहाँ पे सब्जी की सारी तैयारी होने के बाद में फ्रेंड्स मैंने चढ़ा दिया था गैस पे कढ़ाई। और सबसे पहले मैं बनाऊँगी फ्रेंड्स छोले। तो यहाँ पे छोले बिना लहसुन प्याज के ही बनाऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे कान्हा जी को भी भोग लगेगा, तो मैं यहाँ लहसुन प्याज वगैरह का यूज़ नहीं करूँगी। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसी में मैं लहसुन प्याज वगैरह डालूँगी। तो यहाँ पर बस जीरा और हरी मिर्ची का तड़का लगाया है, थोड़ा सा मैंने अदरक कूट के डाला था तो उसी का मैंने तड़का लगाया। ये जैसे नवरात्रि में बनते हैं ना फ्रेंड्स, वैसे ही छोले मैं बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ऐसे छोले खाए हुए, तो बच्चे भी कर रहे थे मम्मी छोले बना लो, तो हमारे छोले भी बातों ही बातों में बन के तैयार हो गए थे। अब मुझे करनी थी फ्रेंड्स सब्जी बनानी थी, तो मैंने साथ में ही गोभी को भी बॉयल कर लिया था फ्रेंड्स। एक चम्मच नमक डाल के मैं हमेशा बॉयल करती हूँ, और वो सब बॉयल होने के बाद में इनको मुझे करना है फ्राई। तो ये देखिए फ्राई करने लगी हूँ, सबको फ्राई कर लूँगी आलू गोभी को। रेडी हो गया है, बस रोटी बनानी बाकी है। उसके लिए भी आटा गूंद दिया है फ्रेंड्स, तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, वहां से आने के बाद में ही रोटी बनाऊंगी फ्रेंड्स। और इधर में सब्जी भी बनके तैयार हो गई है, ये देखे आलू गोभी की सब्जी भी बन गई है और इधर में छोले भी बन गए हैं फ्रेंड्स। तो ये सब तो मैंने बना लिया है, बस रोटी बनानी बाकी है, बाकी आके बना लूंगी मैं। और इधर में बूंदी का रायता, तो हमारी आज की डिनर की थाली बनने वाली है टेस्टी टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से सामान लेके आते हैं, और टाइम हो गया है 8 बज चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसके पापा के भी आने का टाइम हो गया है ड्यूटी से, तो अभी मैं और अनुषा जा रहे हैं सामान लेने के लिए। चलिए इधर में आयुष घर पे ही है, क्योंकि इसके पापा आने वाले हैं ना फ्रेंड्स, तो घर पे कोई नहीं मिलेगा तो बाहर ही घूमेंगे इसके पापा है ना। ठीक है दरवाज़ा बंद कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अंधेरा हो गया है, 8 बज चुके हैं ना, तो मैं कहीं भी जाती हूँ अनुषा साथ जाती है फ्रेंड्स, आयुष तो घर पे ही छोड़ के आती हूँ लेडीज़ फर्स्ट नहीं फ्रेंड्स, क्या है ना कि अभी आयुष के पापा भी आने वाले हैं ना ड्यूटी से, तो घर को लॉक नहीं कर सकते, और फटाफट से सामान लेके आती हूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड्स 2 दिन के बाद हमें जाना है राजस्थान वापस। तो बस जाने से पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ पहले ही, तो घर का राशन भी कुछ कुछ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, तो लेके आना ही था फ्रेंड्स, अब लाओ या 2 दिन बाद लाओ, लाना ही है। और हम पैक करवा के आ जाएंगे, होम डिलीवरी हो जाएगी सामान की। तो चलिए फ्रेंड्स दुकान में जाके मिलते हैं हम लोग। सारा घर का राशन और पैक करवा दिया है, और अब चल रहे हैं घर पे, और अभी होम डिलीवरी करवा देंगे सारा सामान। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से करते हैं रोड क्रॉस, और उस साइड में जाना है हमें, तो यहाँ से रोड क्रॉस भी हो गया हमारा। तो फ्रेंड्स हम लोग कैंपस के गेट में एंट्री कर चुके हैं, और अब घर जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम घर पर, और साथ साथ में हमारा सामान भी आ गया है, हम तो घर भी नहीं पहुँचे, सामान भी आ गया। गेट बंद कर देते हैं, और ये देखिए सामान आ गया हमारा, और अभी घर भी नहीं पहुँचे थे हम, पीछे पीछे हमारा सामान भी आ गया है। और टाइम हो गया है फ्रेंड्स 9 बज चुके हैं, और अब बना लेते हैं खाना, क्योंकि इसके पापा भी आए नहीं हैं, आने वाले हैं। सामान को यहाँ टेबल पर रख देती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ किचन में, और अब बना लेती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और ये दोनों देखो शरारतों में लग जाते हैं, इनकी तो सारे दिन पता नहीं शरारत करे बिना, इनको तो खाना भी नहीं पसता है फ्रेंड्स। तो मैं बना लेती हूँ खाना। तो फ्रेंड्स देखें रायते में मसाले भी डाल दिए हैं, और उस टाइम मैंने मसाले नहीं डाले थे, और बूंदियाँ डाल के गई थी तो बूंदी अच्छे से फूल गई है फ्रेंड्स देखें,
रायता हमारा बन के रेडी हो गया है और अब बस रोटी बनानी बाकी है मुझे, तो रोटी बना लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए टेस्टी टेस्टी रायता। हमारा सारा खाना बनके रेडी हो गया है। ये है हमारी टेस्टी टेस्टी डिनर की थाली, छोले हैं, आलू गोभी की सब्जी, रायता एंड रोटी। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप सब भी फटाफट से, मैंने सबको खाना खिला दिया है, बच्चों को भी और मैंने भी अपने लिए लगा लिए फ्रेंड्स प्लेट। तो चलते हैं अभी खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा भी खाना पीना अच्छे से हो गया है और आ गई हूँ किचन में, क्योंकि फ्रेंड्स अभी किचन की क्लीनिंग बाकी है और इधर में बर्तन भी साफ करने बाकी है। फ्रेंड्स बर्तन भी साफ नहीं किए हैं, पूरा सिंक भर गया है फ्रेंड्स बर्तन से और सब लोग खा के रूम में चले गए हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। तो चले फ्रेंड्स फटाफट से कर लेते हैं किचन की क्लीनिंग। और बाहर हॉल में भी ऐसे ही फैला हुआ है, देखिए जो राशन का सामान था मैंने इधर में रख दिया है और यहाँ टेबल पे इधर में खाना खाया था ना तो मैंने यहाँ ही फैला दिया फ्रेंड्स देखिए। और ये भी सब कुछ अभी क्लीन कर लेती हूँ मैं फटाफट से, टाइम हो गया है फ्रेंड्स 10:45 बज गए हैं और अभी ये सब करते करते देखना 12 बज जाएंगे, मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है फ्रेंड्स काम में करते करते। तो चले फ्रेंड्स कर लेती हूँ किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पे गैस चूल्हे को भी साफ़ कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि खाना बनाते हैं तो गैस चूल्हा भी काफ़ी गंदा हो जाता है, तो ये सब भी मैं रात को ही क्लीन कर देती हूँ फ्रेंड्स। जब भी खाना बनाती हूँ तो मैं किचन को हमेशा क्लीन रखती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि गंदा किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर किचन को साफ़ करने के बाद में मैं बर्तन साफ़ करने लगी थी फ्रेंड्स, तो बर्तनों का भी काफ़ी ढेर लग गया था, क्योंकि थोड़ा भी कुछ एक्स्ट्रा बनाऊँ तो बर्तनों का ढेर हो ही जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बर्तन साफ़ करने के बाद में सारा कचरा मैंने डाल दिया था डस्टबिन में, तो सारा कचरा भी मैं बाहर फेंक के आऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि कचरा अंदर रहता है तो सारी रात भर में सड़ जाता है तो बदबू आने लग जाती है। तो सारा कचरा वगैरह फेंकने के बाद में फ्रेंड्स आ गई थी हॉल में, तो यहाँ पर भी मैं कर दूँगी क्लीनिंग, क्योंकि फ्रेंड्स यही हमारी छोटी छोटी आदतें हैं जिससे हमारा घर साफ सुथरा रहता है। तो यहाँ पे सोफ़ा कवर कालीन वगैरह सब झाड़ के अच्छे से बिछा दिए हैं और सब्जी वगैरह जो थी मैंने यहाँ फ्रिज में रख दी है फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स हो गया मेरा सारा काम भी और इधर में हॉल की भी कर दी है मैंने साफ़ सफाई। तो यहाँ पे देखिए सोफ़ा कवर वगैरह अच्छे से मैंने झाड़ के भी छा दिए हैं और जो राशन का सामान था यहाँ टेबल पे रख दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला इसको रखने का तो इसको कल रखेंगे सामान को। और अभी टाइम हो गया है फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं और अब थकान भी हो गई है और यहाँ किचन की भी हो गई अच्छे से क्लीनिंग, किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है फ्रेंड्स और इधर में बर्तन भी साफ़ हो गए हैं। और किचन को हमेशा साफ रखना चाहिए फ्रेंड्स, और रात को तो खासकर रात को तो हमेशा कभी भी किचन को गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरी तो यही आदत है फ्रेंड्स कि मैं रात को ना ही तो कभी झूठे बर्तन छोड़ती हूँ ना ही किचन गंदा रखती हूँ। तो ये देखिए मेरा सारा किचन हो गया क्लीन और अब थोड़ा सा मैं बालकनी में घूमूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स खाना खाने के बाद में है ना थोड़ा सा घूमना भी चाहिए, तो यहीं बालकनी में घूम लेती हूँ थोड़ी देर। और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरा इवनिंग रूटीन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को फुल वॉच करने के लिए और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। तो अपना ध्यान रखिए सभी फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।